आज फिर उधर क्या चाहिए? ए ए ए पाँच चुराती पैसे नहीं है, कहाँ से? CID HELP help CID help किसने लिखा है ये तुम्हारी कलाई पर है? किसने लिखा है? किसने? श्रेया जरा बात करो इससे, लगता है ये बहुत डरी हुई है। सर देखो, अगर तुम हमें कुछ बताओगी नहीं तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। डरो मत, जो भी है सब सच सच बता दो। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम चोरी क्यों कर रही थी? सर ये कौन सी भाषा है? ओ सर ये तो अफ्रीकन भाषा है। चुप रहो। देखो ऐसे चुप मत बैठो, बताओ हमें कौन हो तुम, कहां से आई हो? ये जो लिखा है ना CID, हम हैं CID। कुछ समझ में रही है या नहीं? सर लगता है इसे भूख लगी है। हाँ पहले कुछ खाना खिला दे इसे। हाँ ले जाओ इसे। चलो तुम मेरे साथ चलो, चलो आराम से। अरे अरे संभल, क्या हुआ इसे? जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। हाँ सर। पंकज तुम जाओ साथ में, संभल के उठो, संभल के। कमाल है सर, इस लड़की के हाथ पे लिखा हुआ है CID help और ये खुद तो कुछ बोल ही नहीं रही है। सचिन ये CID help उसकी जो कलाई पर लिखा है ना वो किसी और ने लिखा है, किसी और ने। ये तो बेचारी हिंदी तक बोलना नहीं जानती। सर इसके हाथ पे जिसने भी ये सब लिखा है वो जरूर हमसे कोई मदद चाहता है। जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा कि ये सारा माजरा क्या है। लेकिन कैसे सर? एक काम करते हैं, जिस बस स्टॉप पर ये लड़की इस दुकानदार से मिली थी उसी बस स्टॉप से पूछताछ शुरू करते हैं। कहाँ पे सोई थी वो औरत? साहब उधर सोई हुई थी, ये सामने वाली दुकान मेरी है। सर सर हो सकता है उस औरत को किसी ने इस बस स्टैंड पे लाके छोड़ दिया? हो सकता है। उन पैसेंजर से पूछो जो रात को यहाँ पे सोए हुए, उनमें से जरूर किसी न किसी ने उस औरत को देखा होगा यहाँ। सर आपने इसको देखा है कहीं? इस औरत को यहाँ पे बस स्टॉप पे देखा आप लोग ने? मैंने तो नहीं देखा, पर एक भिखारिया सोता है रात को, शायद उसने देखा होगा। बताओ कहाँ है? आइए सर, यही है वो आदमी। तो भाई सर इस औरत को आपने यहाँ पे बस स्टॉप पे देखा था क्या? हाँ देखा ना साहब, इधर ही जमीन पे लेटी थी।
औरत को तुमने यहाँ पे जमीन पे लेटे हुए? जी साहब। तो तुमने उसे यहाँ बस स्टॉप पे आते देखा क्या? साहब वो अपने आप थोड़ी ही आई थी, उसको तो लाया गया था। साहब साहब बताओ बात क्या है, क्या जानते हो उसके बारे में? साहब रात करीब 2 बजे जीप में 2 लोग इसको लेकर यहाँ आए थे और इसको छोड़कर यहाँ से चले गए। वो औरत चीखी चिल्लाई नहीं? नहीं साहब, शायद बेहोश थी या हो सकता है वो नींद में हो। तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया, कुछ याद है तुम्हें? साहब बहुत अंधेरा था। ये सब तुम्हें अजीब नहीं लगा? तुम उस औरत की मदद कर सकते थे। मैं किस किस की मदद करूं? ऐसा तो पहले भी हो चुका है। मतलब? इससे पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है, कुछ लोग औरत को लेकर यहाँ आते थे और छोड़कर चले जाते थे। मैं खुद की मदद नहीं कर सकता साहब, तो उसकी क्या मदद करेगा? इसका मतलब इससे पहले भी 2 औरतें उस दरिंदे का शिकार हो चुकी है। लेकिन सर अभी तक हमारे पास उन दोनों औरतों के गायब होने की जानकारी नहीं है। हाँ, क्योंकि उन दोनों के हाथ पे सीआईडी हेल्प नहीं लिखा हुआ था। सर अब क्या करें? उस औरत के होश में आने का इंतजार। सालून के साहब उस औरत के साथ में ही हॉस्पिटल में जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। अब इस केस की तह तक सालून के साहब ही पहुँचा सकते हैं। अब कैसी तबीयत है इसकी? पहले से बेहतर है बस। और क्या बता सकता है इसके बारे में? बस 2 बातें पता चली है। एक तो ये कि इसके खून में हमें एक ऐसी दवाई मिली है जिसकी वजह से ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। सर इसीलिए इसे अपना नाम नहीं याद आ रहा था। ये कौन है, कहां से आई है, इसके साथ क्या हुआ है, इसे कुछ पता नहीं। इस औरत की पूरी तरह से याददाश्त चली गई है तो फिर ये औरत जरूर कुछ ना कुछ तो जानती है। कोई ऐसा राज जो कोई नहीं चाहता उसका पर्दाफाश हो। पर हम उस राज का पता तो लगा ही लेंगे, और किसका राज है ये भी पता लगा लेंगे। और दूसरी बात ये बॉस के इसके पेट की सर्जरी की गई है। इसका पेट काटा गया है और लगभग 25-30 घंटे पहले ही वापस से टांके लगाकर पेट सिला गया है, वो भी सस्ते वाले नायलॉन धागे से। पेट को काटा है तो कहीं इसका कोई ऑर्गन तो नहीं निकाल लिया? इसके किसी अंग की चोरी नहीं हुई है। तो फिर क्या हो सकता है, क्यों क्यों काटा होगा इसका पेट? ये बात अभी पता नहीं लगी है। सर इस औरत को तो कुछ याद ही नहीं है, अगर से होश भी आ गया तो भी हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। पता लगा लेंगे निखिल, पता लगा लेंगे। वो 2 औरतें, बिल्कुल ऐसी 2 औरतें जिनको इसी हालत में छोड़ा गया था उस बस स्टॉप पर, उन 2 औरतों के बारे में पता लगा। आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स है वहां जाकर के पूछताछ करो, पता लगाओ उन 2 औरतों के बारे में, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिल जाएगा। कुछ नहीं पता चला, एक ही हॉस्पिटल बचा हुआ है, सिटी हॉस्पिटल, वहां चल के देखते हैं। सर हम लोग सीआईडी से एक लड़की के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। सीआईडी? जी हाँ सीआईडी। इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या ये लड़की अपना इलाज करवाने के लिए आपके हॉस्पिटल में आई थी? जी हाँ, इस लड़की के पेट पे ऑपरेशन का निशान है। आओ देख के लगता है मानो इस लड़की का ऑपरेशन 2-3 दिन पहले हुआ। तो हम जानना चाहते हैं लड़की इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी या नहीं। सर ये तो क्या? सर हमारे हॉस्पिटल में 2 औरतों की लाशें आई हैं। 2 औरतों की लाशें? हाँ सर, और उनकी वेशभूषा तकरीबन ऐसी ही थी और उनके गहने भी तकरीबन ऐसे ही हैं। तो क्या उन 2 औरतों की लाशें अभी भी मुर्दा घर में? हाँ सर, उन 2 लाशों की शिनाख्त करने अभी तक कोई नहीं आया है, इसलिए वो 2 लाशें मुर्दा घर में ही है। ठीक है, तो इन 2 लाशों को हम देखना चाहेंगे। ठीक है सर, मैं अभी मॉर्ग के इंचार्ज को बुला देती हूँ। प्लीज। हेलो, आप जल्दी से लॉबी में आ जाइए, सीआईडी वाले आए हैं। सर वो आ रहे हैं। सर जी कहिए। आपके मुर्दा घर में जो 2 औरतों की लावारिश लाशें पड़ी हैं, वो देखना चाहते हैं। ठीक है, यही है उन 2 औरतों की लाशें। इन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल सकती है? मैं लेके आता हूँ अभी। प्लीज। ये रही रिपोर्ट। निखिल,
ये देखो, उस मॉडर्न रिपोर्ट में लिखा गया है कि इनके पेट में जो घाव है वो ऑपरेशन की वजह से नहीं है, और जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है उसका भी यही कहना है कि इनका ऑपरेशन नहीं किया गया है। मतलब सर, इनके शरीर से कोई भाग, कोई ऑर्गन निकाला नहीं गया। मतलब ये केस इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का नहीं है, मामला कुछ और ही है। सर, अगर इनके शरीर से कोई भाग निकाला नहीं गया है तो फिर इनका पेट काटा क्यों, वापस सिलवाया क्यों गया होगा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ निखिल। ये देखा तुमने, ये जो सिलाई करने के लिए धागे का इस्तेमाल किया गया है, ये देखो, ये सर्जिकल धागे बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं। तुम्हें याद है, सालू के साहब भी कह रहे थे कि गुड़िया के पेट पे जो टाके लगे थे उनमें भी इसी तरह के धागे का इस्तेमाल किया गया था। सर, बस स्टैंड पे उस भिखारी ने बताया था कि उसने वहां पे तीन औरतों को देखा था। सर, इसका मतलब? हाँ, और वो तीनों औरतें यही हैं, दो ये और तीसरी वो गुड़िया। ये तीनों की तीनों मुंबई के बाहर से आई है, किसी एक ही जगह से। सर, मुंबई से बाहर से आई हैं, एक जगह से, मतलब? ये नोटिस किया तुमने? ये देखो, इनकी फोटोज में साड़ी पहनने का स्टाइल, सजने संवरने का स्टाइल और गुड़िया के बात करने का स्टाइल, इन सबको देख कर लगता है कि ये तीनों औरतें मुंबई से बाहर से ही आई हैं, किसी एक ही जगह से। सर, अगर ये तीनों औरतें मुंबई के बाहर किसी एक जगह से आई हैं तो इनके बारे में पता कैसे चलेगा? पता चलेगा निखिल, पता चलेगा। हर बस स्टॉप, हर रेलवे स्टेशन की खाक छाननी होगी, फिर पता चलेगा। नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखा। पक्का? इस तरह के कपड़े पहने हुए कहीं? नहीं सर, यहाँ नहीं। नहीं साहब, यहाँ पर आस पास कहीं पे भी? देखिए, इस तरह के कपड़े पहने हुए कोई भी औरत आसपास दिखाई देती है तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, फोन कीजिए प्लीज। सर, ये छठा बस स्टॉप है, लेकिन इस औरत के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। पता चलेगा निखिल, हर बस स्टॉप पे पता करना पड़ेगा। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ये औरतें आ कहां से रही। वो देखो, उस औरत ने भी ऐसे ही कपड़े पहन रखे। हाँ सर। अरे सुनिए, देखिए घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से। हाँ, देखिए डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको। ये सरोज को देखिए, जानती हैं आप इसे? जानती? अच्छा ये बताइए कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं आप? नीलगिरी का जंगले। नीलगिरी का जंगले? हाँ, आखिर इन भोली भाली अनपढ़ औरतों को नीलगिरी के जंगल से मुंबई क्यों लाया जा रहा है, और वो भी उनका बेवजह ऑपरेशन करने के बाद? कोई ना कोई राज तो जरूर छुपा है इस नीलगिरी के जंगल में, ये वहां जाकर ही पता चलेगा। अरे, इन गांव वालों का स्वागत करने का तरीका बड़ा अजीब है। ये हमारा स्वागत नहीं कर रहा, बल्कि हमें देखकर नाखुश। वैसे भी हम यहाँ इनसे मिलने नहीं आए, हम लोग नीलगिरी की जंगल के उन औरतों के पेट की सर्जरी का राज जानने आए हैं, और हम वो जानकर ही रहेंगे। देखिए, हम लोग सीआईडी से और यहाँ पे कुछ छानबीन करने आए हैं। आप लोगों को हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरना तो आपको पड़ेगा शहरी बाबू, और इधर से जाना भी होगा। यह धरती हमारी कर्म भूमि है, हमारी धर्म भूमि है, यहाँ पर किसी गैर इंसान को हम आने नहीं देंगे। काश हम लोग आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन सीआईडी ना ही अपने आगे बढ़ाए हुए कदम पीछे लेती हैं, और ना ही हमें तहकीकात करने से कोई रोक सकता है। अगर आप लोगों ने कोई हरकत की तो ठीक है, आप लोग अपना काम कर सकते हैं, लेकिन छानबीन करने से पहले आपको उनसे मिलना होगा। किससे मिलना पड़ेगा? आइए मेरे साथ। चलिए आइए। हाँ भाई मनसुख, अरे एक हफ्ते पहले मैंने तुझसे ऑपरेशन के लिए एक दर्जन कैंची, दो दर्जन मोटी वाली सुई और नायलॉन के धागे मंगवाए थे। कब भेजेगा भाई? ठीक है, कल तक माल आ जाना चाहिए। मैं अभी रखता हूँ, माफ कीजिए, क्या चाहिए आपको? इस तरह के नायलॉन का धागा। हाँ हाँ, है ना। जानवर कौन सा है आपका? जानवर मतलब? अरे भाई, जानवर बड़ा होगा तो धागा भी ज्यादा लगेगा ना, चमड़ी मोटी होती है ना उनकी, छोटा होगा तो एक आध मीटर में काम हो जाएगा।
मतलब ये धागा सिर्फ जानवरों पे इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, आपको ये बात मालूम नहीं थी क्या? देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। हमारी जानकारी के हिसाब से ऑपरेशन करने के लिए इस तरह का धागा सिर्फ आपके पास मिलता है। बात तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? यहाँ पास के बस स्टॉप से हमें एक औरत मिली है जिसका ऑपरेशन किया गया है, और ऑपरेशन करने के बाद डाके इसी धागे से लगाए गए। औरतों के टाके इस धागे से? लेकिन आजकल तो कोई भी डॉक्टर इन धागों से इंसानों पर टाके नहीं लगाता। ऐसे धागे तो सिर्फ जानवरों के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेकिन ये धागा एक नहीं, तीन तीन औरतों के पेट पे टाके लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए। तीन तीन औरतों पर? जी हाँ, तीन तीन औरतों पर। वैसे ये सामग्री आप जहाँ सप्लाई करते हैं उनकी जानकारी तो होगी आपके पास? जी हाँ, एक मिनट, ये लीजिए। ज्यादातर ऑपरेशन का सामान बड़े बड़े क्लिनिक और सरकारी हॉस्पिटल में भेजे गए। सर, ऐसे हॉस्पिटल तो कानून का पालन करते ही होंगे। वो तो ठीक है, लेकिन निखिल, लेकिन ये देखो, बहुत से दवाखाने हैं जिनका लाइसेंस नंबर नहीं लिखा गया है यहाँ पे। इसका मतलब ये डॉक्टर्स गैर कानूनी तरीके से डॉक्टरी कर रहे हैं। सर, हो सकता है सर, लेकिन इस रजिस्टर में उनका नाम है पता नहीं है। क्या चल रहा है? चल क्या रहा? जिन दवाखानों का लाइसेंस तक नहीं है आप उन्हें माल सप्लाई कर रहे हैं, और जिनको माल सप्लाई कर रहे हैं उनका पता तक नहीं है आपके पास। वो क्या, आपसे तो बाद में निपटते हैं। उससे पहले शहर के जितने भी दवाखाने हैं जिनका लाइसेंस नहीं है वहां पे छापा मारते हैं, वहीं से कुछ ना कुछ पता चलेगा। देखो रामू, ये कोई आम खांसी नहीं, टीबी वाली खांसी है। अगर सही समय पे मेरे पास नहीं आते तो 15-20 दिन के लिए अस्पताल की खटिया पकड़नी होती। ये दवा लो, सुबह शाम खाने के बाद ले लेना, ठीक हो जाऊंगे। नमस्कार छुट्टन, मैना कहता था दद्दू बिल्कुल सही कहते थे, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। बड़े भैया, आप सही कह रहे हैं, दाम जैसे गरीबन के लिए डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू कितना कुछ नहीं करते। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, इसलिए जन सेवा करते हैं। बताइए आप दोनों में से कौन बीमार है? अब बीमार तो कोनो नहीं है डॉक्टर साहब, अब बस थोड़ा सुख सुविधा का बंदोबस्त हो जाए, आपका कृपा हो जाए। मैं समझा नहीं। छुट्टन, वो क्या है डॉक्टर साहब के, अब औरत का पेट का ऑपरेशन करवाना है। ऑपरेशन? औजार वगैरह तो है, बस ऑपरेशन कर दीजिए। देखिए, मैं ऑपरेशन नहीं करता, मगर आपके पास अगर कोई डॉक्टर है तो मैं अपना ऑपरेशन थिएटर भाड़े पे दे सकता हूँ। साहब, डॉक्टर तो हमारा कोई नहीं है, एक मित्र है हमारे, लेकिन क्या है कि डॉक्टरी का लाइसेंस नहीं है उनके पास। चलेगा? चलेगा, यहाँ पे जो भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है उसके पास लाइसेंस नहीं रहता। तो मतलब कोनो टेंशन वेंशन नहीं है? ये कोई नई बात नहीं है, हर महीने एक आध पार्टी आ जाती है ऐसा ऑपरेशन करने। अच्छा, महीने में कौन कौन आता है कुछ बताएंगे का? तुम्हें क्या लेना देना उसे, ऑपरेशन करवाना है तो बोलो, एक घंटे के 20,000 रुपए। 20,000? बड़े भैया, डॉक्टर बाबू को कितने साल का सजा होगा हवालात में? यही तकरीबन 20 साल का तो होगा। 20 साल? डॉक्टर बाबू क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मुझे धमका रहे हो, कौन हो आप लोग? डॉक्टर साहब कहा है कि आपके पास जो डॉक्टर्स आते हैं ना उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन क्या है कि हमारे पास आपको पकड़ने का लाइसेंस है। देखिए, ये देखिए, सीआईडी। सीआईडी? सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दीजिए, पहले बता महीने में कौन कौन आता है एक बार यहाँ पे ऑपरेशन करवाने के लिए गैर कानूनी तरीके से? सर, गांव के 2-4 गुंडे गांव की कुछ औरतों को लेके आते हैं। गांव की औरतों को लेके आते हैं या फिर जंगल की औरतों को? शायद जंगल में रहने वाली औरतें, लेकिन किस चीज का ऑपरेशन होता है वो मुझे नहीं मालूम। देख, सच सच बोल, झूठ मत बोल, समझा? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं पैसे लेके 2 घंटे के लिए बाहर चला जाता हूँ। और क्या पता उसके बारे में? सर एक बात है, जो भी औरतें अपने ऑपरेशन करवाने के लिए आती थी वो अपनी मर्जी से आती थी। अपनी मर्जी से आते, बिना जोर जबरदस्ती के? सर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उन गुंडों की तस्वीर बनवानी होगी आपको। जी सर, जो भी आप कहेंगे। एक बात समझ में नहीं आ रही है, कोई भी औरत जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में क्यों डालेगी? अरे दोबारा वनराज भाई, ये सहरी बाबू लोग कह रहे हैं कि ये सीआईडी से हैं और यहाँ छानबीन करने आए हैं। तो आप हैं इस गांव के कर्ता धर्ता वनराज भाई? भाई प्यार से लोग हमको भाई कहते हैं।
इज्जत देते हैं भाई, आप भी हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए, हम भी आपको बहुत इज्जत देंगे। अब जैसा देश वैसी है। देखो, हम किसी सीआईडी वीआईडी को नहीं जानते, यहाँ हमारी हुकूमत चलती है, हमारा राज है यहाँ। तुम अगर हमसे सवाल पूछना चाहते हो तो हमारे साथ दो दो हाथ करना पड़ेगा। अगर तुम जीते तो हम तुम्हारे एक नहीं दो दो सवालों के जवाब देंगे, अगर हम जीते तो तुमको यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर? ठीक है, हो जाए दो दो हाथ। क्या कह रहे हैं सर आप? देखते जाओ कैसे मजा चखाते हैं। ये लड़ेगा मेरे से, चूचू का मुर्गा ये लड़ेगा मेरे से। अब मेरे सवालों का जवाब देगा हाँ, या और खातिरदारी करो तेरी। बस आपके जाएगा कहाँ? ओए, ये क्या, ये सुनने के लिए तूने जल्दी बुलाया हमको? तेरा गाना? अरे गा नहीं रहा हूँ बॉस, गुनगुना रहा हूँ। दोनों में फर्क होता है। और बुलाया मैंने आपको इसलिए ताकि आपसे ये सुन सकूं, वाह सालुखे कुछ बात है तुझमें। वाह सालुखे कुछ बात है तुझमें, ऐसे मैं कहूँ? हाँ। क्यों, तूने ये पता लगाया कि इन औरतों के ऊपर ये जो सर्जरी के निशान है वो क्यों है? पता लगा लिया मैंने, पता लगा लिया है कि इन दोनों के पेट पर वो सर्जरी का निशान कैसा है। मतलब डॉक्टर सालुखे ने अपना दिमाग लगा लिया? क्या पता लगा लिया आपने? इन दोनों औरतों का इस्तेमाल इंसानी कुरियर की तरह से हो रहा था। क्या, इन औरतों को इंसानी कुरियर की तरह इस्तेमाल किया गया? हाँ, इन दोनों के पेट को काट कर कोई चीज जबरदस्ती इनके पेट के अंदर रखी गई और फिर पेट को सिल दिया गया। और दोनों के पेट पर दो दो बार काटने के निशान हैं, दो बार के टांके हैं अलग अलग किस्म के। अब मतलब सर? मतलब ये कि पहले इनके पेट को काट कर कोई चीज जबरदस्ती इनके पेट के अंदर रखी गई और पेट को सिल दिया, और बाद में टांके काट कर वो चीज बाहर निकाली गई और फिर से टांके लगा करके पेट को सिल दिया गया। मतलब इन बेचारी औरतों को स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन तुझे पता कैसे चला सालुखे? बॉस, जब वो चीज जबरदस्ती इनके पेट के अंदर रखी गई तो इनके पेट की कुछ मांसपेशियां फट गई थी और उसमें जगह बन गई कुछ रखने के लिए। हाँ सर, अगर ये पहली औरत के साथ भी ऐसा ही हुआ तो पता कैसे नहीं चला? वो इसलिए कि जब उस औरत को अस्पताल में लाया गया वो जिंदा थी, और जब तक मैं उसकी जांच करता उसकी मांसपेशियों के घाव अपने आप भर गए थे। लेकिन इन दोनों औरतों को अस्पताल में जब लाया गया ये मर चुकी थी, इसलिए घाव भरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। स्मगलिंग करने के बहुत सारे तरीके आज तक देखे, लेकिन सबसे अजीब तो ये है। डॉक्टर सर, इनके पेट में रखा क्या गया था? वो पता नहीं चल पाया, वो पता लगाना पड़ेगा। हाँ सर, ये तो पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर ये तस्करी किस चीज की हो रही थी। सचिन, पता तो हम लगा ही लेंगे कि किस चीज की तस्करी की जा रही थी, लेकिन है कौन ये टेढ़ा दिमाग जिसने बेचारी गरीब औरतों का इस तरह से इस्तेमाल किया है? कौन ये? वनराज, वनराज, देखा नीचे, कर नीचे। मैं माफ कर दो, गलती होगी साहब, गलती होगी साहब, माफ कर दो। यो, पहलवानी भूल गए? साहब मैं डर गया था साहब, मैं अपने लोगों के सामने अपनी नाक कैसे कटवा सकता साहब, इसीलिए मैंने उन लोगों के सामने आपसे दो दो हाथ करने की चुनौती दी थी साहब। आप जीत गए साहब, मैं हार गया साहब, माफ कर दो साहब। तो तुम वहां से भागे क्यों? मैं डर गया था साहब, सच्ची बताऊं साहब, मैं जंगल की लकड़ियां काट करके उसकी तस्करी करता हूं साहब, मुझे नहीं मालूम था साहब इतने से जुर्म के लिए सीआईडी वाले मुझे पकड़ने के लिए यहां तक आ जाएंगे साहब। ये लो, हम लोग जंगल के औरतों की बात कर रहे हैं और ये जंगल के लकड़ियों की बात कर रहा है। जंगल की औरतें? मैं कुछ समझ नहीं साहब। इसे जानते हो, ऐसी औरतों को नीलगिरी के जंगल से मुंबई लाया जाता है, इनका पेट काट के टाके लगाए जाते हैं। पेट के टाके? हाँ। मैं ऐसा कुछ नहीं जानता साहब, मैं सच्ची बताऊं साहब, अगर हमारे गांव में कोई अनजान आदमी घुस जाता तो हम लोग उसको चेतावनी देकर के छोड़ देते हैं, लेकिन ये नीलगिरी के लोग बहुत खतरनाक लोग हैं साहब। एक बार मैंने अपने कुछ साथियों को नीलगिरी के जंगल में भेजा था कब्जा करने के लिए, पता नहीं साहब वो कहां गया, आसमान खा गया कि जमीन निकल गया, आज तक वापस नहीं आया था। हाँ सर, क्या?
स्मगलिंग? किस चीज की स्मगलिंग सर? ठीक है सर, मैं पता लगाता हूँ। ओके, एसीपी साहब का फोन था, उन औरतों का पेट काट कर उनमें कोई चीज रखी जाती थी स्मगलिंग करने के लिए। मनराज, नीलगिरी के जंगल में ऐसे कौन सी कीमती चीज है जिसकी तस्करी के लिए कोई इतनी घिनौनी हरकत करेगा? ऐसी कोई चीज है नहीं साहब, मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं साहब। अगर यहाँ ऐसी कोई चीज होती तो मैं जंगल की लकड़ी की तस्करी क्यों करता साहब? हाँ, पुरातत्व विभाग के कुछ लोग यहाँ पे आए थे, इन साथ उन्होंने खोजबीन की लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला था। कब हुआ था ये सब? पुरातत्व विभाग वाले लोग कुछ 5 साल पहले आए थे साहब, 3 साल तक उन्होंने इस जंगल के चप्पे चप्पे को खोजा साहब, उनको कुछ नहीं मिला साहब। सर, बहुत ही अजीब बात है, जब ये जंगलवासी किसी बाहर वाले को जंगल में जिंदा ही नहीं छोड़ते थे, तब 3 सालों तक उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ काम कैसे करने दिया? उस आर्कियोलॉजिस्ट का पता लगाना होगा जिसने नीलगिरी के जंगल में इतना समय बिताया, वो इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। रजत, एक काम करो, जंगल की तलाशी लेने की तैयारी करो। आप? जी, मैं सुष्मिता, निशिकांत की पत्नी। अच्छा, हमें निशिकांत जी से ही मिलना है। लेकिन वो तो 2 साल पहले ही गुजर गए। माफ कीजिएगा, हमें पता नहीं था, कैसे मौत हुई उनकी? अब मैं क्या बताऊं, निशिकांत नीलगिरी के जंगलों में कुछ अमूल्य वस्तु की खोज करने गए थे, 3 साल वहाँ पर रहे भी, पर उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिला, पर जब लौटे तो बहुत खुश थे। इतनी मेहनत के बाद उन्हें कुछ मिला नहीं, फिर भी वो खुश थे, क्यों? क्योंकि सरकार ने उन्हें आर्कियोलॉजी के लिए नेशनल प्राइड अवार्ड देने का फैसला लिया था और उन्हें कुछ सर्टिफिकेट और मेडल भी मिलने वाले थे, पर जब वो अवार्ड फंक्शन से लौट रहे थे तब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें आग लग गई और उसमें निशिकांत भी जलकर मर गए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी मौत हो जाएगी उनकी। जी, मुझे पता था और ये बात निशिकांत को भी पता थी। मैंने कई बार निशिकांत को समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। और निशिकांत जी जानते थे कि उनकी मौत होने वाली? जी, आखिर नीलगिरी के जंगल के अभिशाप से कब तक बचे रहते वो? ये कैसी बातें कर रही हैं सुष्मिता जी, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर आप श्राप अभिशाप ऐसी बातों पे यकीन रखती हैं? मुझे ज्ञान है तभी तो विश्वास है। उस खौफनाक अभिशाप के मुताबिक उस जंगल वासियों के अलावा जो भी कोई उस जंगल में घुसने की कोशिश करेगा तो नीलगिरी जंगल के देवता उस पर क्रोधित हो जाएंगे और उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। आग की बारिश करके नीलगिरी जंगल के देवता उस पापी को जलाकर राख कर देंगे और निशिकांत की मौत भी जलने से हुई है। ये आपका अंधविश्वास है सुष्मिता जी? इस हकीकत के बारे में निशिकांत ने खुद रिसर्च करके पता लगाया था और ये आज की बात नहीं है, हजारों साल पहले की बात है। सर, जंगलों में जंगली जानवर होते हैं ना? रेडी, जंगली जानवर तो जंगल में ही होंगे ना? ये बात तो है सर, मगर उन जंगली जानवरों ने हम पर हमला कर दिया तो? यस सर। क्या? जी। क्या हुआ सर? एसीपी सर का फोन था, उन्होंने उस प्राचीन कार उस आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पता लगाया, उसकी तो 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। ये तो बहुत बुरा हुआ। सो तो है विनीत, एसीपी सर ने ये भी बताया कि 2 साल पहले उनको सरकार की ओर से कोई पुरस्कार दिया गया और जब पुरस्कार मिलने के बाद वो घर लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी को आग लग गई और जल के वो मर गए। उनकी पत्नी का कहना है कि नीलगिरी के जंगल में जाने की वजह से उन्हें श्राप लगा। कैसा श्राप? प्रेडी, उनकी पत्नी का मानना है कि नीलगिरी के जंगलों में जंगली लोगों के अलावा अगर कोई और जाता है तो उसे जंगल के देवता का श्राप लगता है, उस पर आग की बारिश होती है। अरे बाप रे, फिर तो हमको भी श्राप लगेगा और हम पर भी आग की बरसात होगी। या प्रेडी, भी ऐसी चीजों में मानते हो क्या? नहीं सर, वो बात नहीं है, मगर सावधानी बरतने में ही समझदारी है ना। जाओ!
मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पता क्यों मारना चाहते थे हमें? अरे यार, ये कब से टाक टुक किए जा रहा है? सरल सीधी हिंदी भाषा नहीं आती क्या? आप लोग कौन है और इसे बांध के क्यों रखा है? आप कौन है और हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं नीलगिरी के जंगलों का मास्टर जी हूँ। 5 साल पहले जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ आया था, तब मैं यहीं रुक गया था ताकि इन लोगों के तौर तरीकों को सीख सकूं और इनकी मदद कर सकूं। तब तो आप इसकी भाषा भी जानते होंगे। जी हाँ, थोड़ी बहुत जानता हूँ, मगर आप लोग कौन है? हम लोग CID से। इस आदमी ने हम पर गोली चलाई थी, इसलिए इसे गिरफ्तार करना पड़ा। ओ, क्या आप इससे पूछ सकते हैं कि इसने हम पर गोली क्यों चलाई थी और किसके कहने पर चलाई थी? जी, मैं कोशिश करके देखता हूँ। ये क्या कह रहा है? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ मगर ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको देखकर ये बिल्कुल सहम गया। मैं इन लोगों का ख्याल रखता हूँ, बीमारी में इनकी सेवा करता हूँ, इसलिए जंगल के वासी मेरा आदर सम्मान करते हैं। इसके हाथ पर ये गोदन है, कम से कम इसका मतलब तो समझा सकते हैं आप? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, मैं ठीक से तो नहीं जानता, कोशिश करके देखता हूँ। इस पर पौराणिक भाषा में ये लिखा है, जिसका मतलब ये है कि ये आदमी जंगल के देवता का सिपाही है और देवता द्वारा दी गई भेंट की रक्षा करना इसका कर्म और धर्म है। देवता का सिपाही सरकारी सिपाही पे गोलियां चलाता है? ये लोग इस जंगल को अपनी जन्मभूमि मानते हैं और इसकी सुरक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। इन लोगों का मानना है कि अगर बाहर का कोई इंसान इस जंगल में प्रवेश करेगा तो जंगल के देवता नाराज हो जाएंगे और उन पर आग की बारिश होगी। फिर आग की बारिश? आग की बारिश का मतलब क्या है? हो सकता है ये सब काल्पनिक हो, लेकिन इन लोगों का इस बात पर बहुत भरोसा है। ये तो मर गया। मर गया? अरे, ये तो सही सलामत। क्या हो गया इसे? लगता है इसे जंगल के देवता का श्राप लग गया। मास्टर जी, आप भी इन बातों पर विश्वास करते हैं? देखिए, आप लोग जैसा समझना चाहते हैं समझ लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसने आप लोगों से बातचीत की, इसलिए गांव के देवता का श्राप इसको लग गया। मास्टर जी, कोई श्राप राप नहीं होता। विनीत, डॉक्टर साड़ुंके को फोन लगा, वो यहाँ आएंगे और बताएंगे कि इसकी मौत कैसे हुई। May I come in, please? अरे आइए आइए, आपको कौन रोक सकता है? कुछ हो गया? क्या बोला? नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा, मैं वो जाने के लिए आया था कि वो नीलगिरी वाले केस का मसला सुलझा क्या? टाइम पास करने आया? नहीं नहीं, टाइम पास नहीं है, जो पूछ रहा हूँ बताओ ना, वो आग की बारिश वाली गुत्थी सुलझी कि नहीं? सांखे, तो आग की बारिश की बात ही मत कर, दिमाग खराब हुआ है मालूम है? पर वो आर्कियोलॉजिस्ट की बीवी, उसके बाद वो नीलगिरी का मास्टर जी, और अब तू। यार, तू भी कैसा आदमी है, ऐसी पौराणिक चीजों पर विश्वास रखता है तू? आग की बारिश? अरे विश्वास नहीं रखता बॉस, बल्कि मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि वो आग की बारिश आखिर है क्या चीज। और तू फिर बता ना। अरे आग की बारिश तो मेरी जेब में है। ये जरा पेन ड्राइव लगाओ कंप्यूटर में। सर, आओ। ये देखो बस, ये उल्का पिंड, इन्हें आप उल्का तारा भी कह सकते हैं। मीटियोराइट्स और कॉमेट्स। एग्जैक्टली, अंग्रेजी में यही कहते हैं। बॉस, वैसे तो ये उल्का पिंड ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी धरती के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब धरती की तरफ बढ़ने लगते हैं तो धरती के अंदर घुसने के लिए इन्हें धरती के वातावरण को चीर करके आना पड़ता है, और ऐसा करने के लिए इन गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसमें एक जबरदस्त घर्षण होता है, जिसकी वजह से इनका तापमान बढ़ जाता है। कभी कभी तो इनका तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। 10,000 डिग्री से भी ज्यादा? तब तो ये आग के गोले बन जाते हैं, और जब ये धरती की तरफ गिरने लगते हैं तो लगता होगा आग की बारिश हो रही है। और बॉस, मेरी रिसर्च बताती है कि हजारों साल पहले नीलगिरी के जंगलों में ऐसी ही आग की बारिश हुई थी। और शायद इसीलिए नीलगिरी के जंगल में रहने वाले लोगों को लगता होगा कि अगर कोई बाहर का आदमी उनकी जमीन पर पैर रखे उनकी देवताओं की इजाजत के बगैर, तो देवताओं को गुस्सा आता होगा और वो आग की बारिश करते होंगे उस पर।
हाँ विनित, क्या? अच्छा ठीक है, ओके। यार साळुंखे, तूने तो कमाल का रिसर्च कर दिया यार। तुझे तो गिफ्ट देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, दो जरूर दो। आजा आजा। साळुंखे, तुझे मैं नीलगिरी के जंगल की सफर करवाता हूँ। नहीं नहीं, मैं नीलगिरी के जंगलों में क्या करूंगा? नहीं बॉस, मैं अपनी लैब में ठीक हूँ यार। अबे डरता क्या है, वहाँ कोई आग की बारिश वारिश नहीं होने वाली है। फिर भी यार साळुंखे, वहाँ पर एक नीलगिरी वासी की मौत हुई है हमारे लोगों की आंखों के सामने, और मैं चाहता हूँ कि तू वहाँ चले जाए। ओ, अच्छा अच्छा, तुम नहीं आओगे? पिकनिक है। नहीं नहीं, मतलब तुम होते तो। अब अभिजीत आ रहा है। हाँ ठीक है, हाँ। और भाभी के हाथ का सलाद भी लेके जाना साथ में। भाभी का नाम नहीं लेना यार, हाँ समझा। अच्छा क्या यार, फंसा देते हो तुम लोग। भाई साहब, तीन रस्सी देना। बढ़िया साहब। अरे बाप रे बाप, ऐसे कई रहस्य हैं जिनके राज हम अभी तक जान नहीं पाए। आखिर ये सब कर कौन रहा है, और ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या है? जंगल में रहने वाले लोग बंदूकें लेके घूम रहे हैं, ये सब हथियार उनके पास आए कहाँ से? और सर, ये बेचारे गाँव वाले जंगल में कदम रखने से भी डर रहे हैं, इन्हें अपनी जान गंवाने का खतरा है वहाँ। आखिर ये नीलगिरी के जंगलों में चल क्या रहा है? और वो भगवान का आशीर्वाद, आखिर वो चीज क्या है जिसे ये लोग भगवान की भेंट समझते हैं? कोई बहुत ही खास, बहुत ही अनोखी वस्तु होगी जिसको इन जंगल वासियों ने कभी देखा नहीं, और कोई तो कारण है जिसकी वजह से इन जंगल वासियों को लगता है कि भगवान ने ये वस्तु खास कर उन्हीं के लिए भेजी है। और वो आदमी जिसे हमने जंगल में पकड़ा था, जंगल का सिपाही था, जंगल वासियों ने उसे उस खास भेंट की रक्षा के लिए तैनात किया हुआ था। मुझे लगता है ये जंगल वाले अनपढ़ हैं, ना समझ हैं। जरूर कोई आदमी है जो इनके दिमाग में चीजें डाल रहा है, लेकिन कौन? सर, मुझे लगता है सब जानने के लिए हमें जंगल में छापा मारना चाहिए। हमें अपनी पूरी ताकत और पूरी तैयारी के साथ जंगल में जाना ही होगा। हाँ सर, मेरे दिमाग में भी यही बात चल रही है विनीत। जब तक हम उस जंगल की खाक नहीं छानेंगे, तब तक ये राज राज ही रहेगा। लेकिन मुझे चिंता है जंगल में रहने वाले औरतों की, बच्चों की। छापा मारते वक्त कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। आपको दे दो। कर दिया सत्यानाश, अब ये दही के पैसे कौन भरेगा? आप इस पर गुस्सा मत कीजिए, इसे जाने दीजिए, पैसे हम भर देंगे। लो, किन लोगों को भगवान का प्रसाद समझो जो आज तुम इनकी वजह से बच गए। मेरी तबीयत खराब है, मैं घर जाना चाहता हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी, पहले बोलना चाहिए था ना। जा जाओ यहाँ से, नहीं तो और सामान का नुकसान करोगे। अरे जल्दी जा भाई। लड़का मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं देखते ऐसे चला क्यों गया? पीछा करते हैं इसका। रक्षा करनी होगी, रक्षा करनी ही होगी। अजीब आदमी, दिखाई नहीं देता है क्या? माफ कीजिएगा। सुरक्षित है, भगवान की धरोहर सुरक्षित है, मगर कब तक? शहर के लोग इसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। तो ये है भगवान का उपहार, लो हमें दे दो। नहीं, कभी नहीं। तुम सब लालची हो, राक्षस हो, हमारे देवता के आशीर्वाद तुमसे छीनना चाहते हो। देखो, चुपचाप ये बॉक्स हमारे हवाले कर दो, वरना वरना क्या, मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, मर जाऊंगा। लेकिन जंगल के देवता के इस उपहार को तुम शहरी लोगों के हाथों में कभी नहीं दूंगा। हम पर विश्वास करो, हम CID से हैं, हम जंगल वासियों के दुश्मन नहीं, शुभचिंतक हैं। नहीं, झूठ बोला है तुम सब। तुम शहर के लोग अभिशाप बन के आए हो हमारे लिए। देखो, हम जंगल वासियों का धरोहर नहीं छीनना चाहते, हम बस उस गुनहगार को पकड़ना चाहते हैं जो नीलगिरी के जंगल की भोली भाली औरतों को तस्करी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम उस राक्षस को पकड़ना चाहते हैं। क्या तुम उन भोली भाली औरतों को नहीं बचाना चाहते? नहीं, आप लोगों का ये इरादा नहीं है, मैंने आपकी बातें सुनी है। आप इस नीलगिरी के जंगल को बर्बाद कर देना चाहते हैं, यहाँ के जीवन और यहाँ की शांति को नष्ट कर देना चाहते हैं। बात सुनो, हम जंगल को बर्बाद करने नहीं आए, हम उन दुश्मनों को पकड़ने आए हैं जो बंदूक लेके घूम रहे जंगलों में। वही असली दुश्मन है जंगल के, समझे? हाँ, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। हम पर विश्वास रखो प्लीज, हम पर विश्वास रखो। मगर लाओ ये बॉक्स हमें दे दो। ठीक है साहब, आप लोग इसकी रक्षा कीजिएगा, किसी गलत हाथों में मत पड़ने दीजिएगा साहब। Thank you.
ये बैंगनी पत्थर, इसे तुम भगवान का उपहार मानते हो? इन बैंगनी रंग के पत्थरों को तुम भगवान की भेंट समझते थे? आपको कदर नहीं है इनकी साहब? ये उपहार है भगवान का हमारे लिए, ऊपर से गिर रही है साहब, चमत्कार है ये साहब, भगवान का चमत्कार हमारे लिए। सारंगे साहब, ये सर आप सेफ हाउस पहुंचे। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप इस पत्थर को इतने गौर से क्यों देखे जा रहे हैं? इस पत्थर में कोई खास बात है क्या? खास बात है, बहुत ही खास बात है, ये टेफाइट पत्थर है और बहुत ही कीमती है। क्या ये पत्थर कीमती है? 1 ग्राम टेफाइट की कीमत कम से कम 10 लाख रुपए होती है। अरे बाप रे। और ये जो सारे पत्थर तुम लोगों को मिले हैं, इनकी कीमत कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए है। सर फिर तो जरूर इन्हीं अमूल्य टेफाइट पत्थरों को औरतों के पेट में छिपाकर उनकी तस्करी का रैकेट चलाया जा रहा था। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इन पत्थरों की ही तस्करी हो रही थी उन औरतों के जरिए। हमें ये पता करना चाहिए कि इन पत्थरों के तस्करी के पीछे किसका हाथ है। लेकिन ये पत्थर नीलगिरी के जंगलों में आए कहाँ से? परसों पहले जिस मीटियोर की वजह से आग की बारिश हुई थी, ये उसी के टुकड़े हैं जो जमीन पर गिरकर टेफाइट पत्थर में बदल गए। हमें नीलगिरी के जंगलों में एक बार फिर से जाकर के उस जमीन की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। हम नीलगिरी के जंगल में जाएंगे जरूर, पर पूरी तैयारी के साथ। हरे रंग के आकार दिख रहे हैं वही जंगलवासी हैं। कहाँ सर, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो जो घर जैसी चीज है वहां देखो, तो आदमी दिखे। अरे हाँ, ये गॉगल तो बड़ा ही कमाल का है, अंधेरे में भी आदमी दिखाई देते। वे धीरे बोलना चाहिए, उन जंगलवासियों की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। अंदर चल के देखते हैं। यहां तो कोई नहीं सर। अच्छी तरह से तलाशी लो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। देखिए सर, नोटों की गड्डिया और टफाइट पत्थर। इतने सारे टफाइट के पत्थर, इनकी कीमत तो करोड़ों में होगी। ऐसा कौन हो सकता है जो नीलगिरी के अमूल्य अमानियत को चुराने की साजिश कर रहा है? पता है कोई? अरे ये कौन है? खोलो इन्हें, गलती से जंगल में आ गए होंगे और जंगल वासियों ने यहाँ जबरदस्ती बंदी बना के रखा होगा। पानी, 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 पानी। कौन है आप और किसने किया आपके साथ ये सब? आप लोग कौन हो? हम लोग CID से, हमने यहाँ जंगल पे छापा मारा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपको मेरा संदेश मिल गया। वो आप हैं जिसने उस औरत की कलाई पर CID हेल्प लिखा था? मैंने ही वो संदेश लिखा था, मैं एक डॉक्टर हूँ। 2 साल पहले नीलगिरी में मुझे भेजा गया था, जंगल वासियों की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, लेकिन मुझे अगवा कर लिया गया और 2 साल तक मुझे इसी तरह बंदी बना कर रखा था। किसने अगवा किया था आपको? पता नहीं, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा है। लेकिन इन लोगों ने आपको यहाँ 2 साल तक इस तरह से क्यों? क्योंकि उनको मेरी जरूरत थी। कैसी जरूरत? जंगल की गरीब औरतों का पेट काटकर मैं उसमें टेफाइट पत्थर भरा करता था। इस तरह ये लोग तस्करी करते हैं, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो लोग मुझे मार डालते। इसलिए उस औरत गुड़िया की कलाई पर वो संदेश लिखा था। बस यही उम्मीद थी कि आप लोग आएंगे मुझे और उन औरतों को इस नर्क से बता देंगे। वो डॉक्टर आप हैं? हाँ। कौन चला रहा है ये रैकेट? किसके इशारे पर हो रहा है सब? पता नहीं,
मैंने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है। जब वो मुझे यहाँ मिलने आता है तो मेरी आंखों पर पट्टी होती है। वो आपसे इस झोपड़े में मिलने आता है? हाँ। ये क्या है? सर्टिफिकेट। मेडल। तो ये है, इसका हाथ है इस पूरे रैकेट के पीछे। अरे डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? देख लीजिए कहीं कोई जरूरी सामान छूट तो नहीं गया। जंगल के अंदर एक झोपड़ा, झोपड़े के अंदर एक बक्सा, बक्से के अंदर एक सर्टिफिकेट, एक मेडल, और इनमें छुपा एक राज। क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, बेटा मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो इस गांव का गरीब मास्टर जी हूँ। मास्टर जी या फिर मास्टर माइंड? टेफाइड की स्मगलिंग का रैकेट आप ही चलाते हैं ना? टेफाइड जंगल से बाहर निकालने के लिए जंगल की मासूम औरतों का पेट काट कर उन्हें कुरियर का पैकेज बनाकर खुद मालामाल होना चाहते थे। ये कैसा आरोप लगा रहे हैं आप लोग मुझ पर? मैं तो गांव का एक गरीब मास्टर जी हूँ जो इस केस की तह तक पहुँचने में आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये टेफाइड पत्थर है। ओ, हम तो भूल ही गए थे कि आप एक गरीब लाचार गांव वाले हैं। आपको कैसे पता होगा कि उस पत्थरों की कीमत क्या है? वही तो, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। गांव का बूढ़ा मास्टर इन पत्थरों की कीमत से अनजान हो सकता है, लेकिन डॉक्टर निशिकांत नहीं। नेशनल प्राइड अवार्ड जीतने वाले आर्कियोलॉजिस्ट को तो पूरा ज्ञान होगा, और होना भी चाहिए। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना वरना। जरा ध्यान से देखो डॉक्टर साहब, हमारे हाथ में बंदूक है, ये चाकू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ये कोई आम चाकू नहीं है, इस चाकू की धार पे मैंने जहरीले पौधे का लेप लगाया हुआ है। ये वही जहर है जिससे उस आदमी की मौत हुई थी? हाँ, उस आदमी के हाथ का टैटू देखते समय मैंने उसके हाथ में छोटा सा पिन चुभो दिया था जिसमें ये जहर लगा हुआ था। कुछ ही पल में तुम भी ब्यूरो में कैद हो गए। इससे तो अच्छा होगा कि मैं अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर लूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर सालुंके साहब ने जहर को बेअसर करने की दवाई दी है, एंटीडोट। बताओ किस नाम से बुलाया तुमको, निशिकांत जी या फिर मास्टर जी? जब मैं नीलगिरी के जंगलों में प्राचीन चीजों की खोज के लिए खुदाई कर रहा था तो मुझे टेफाइड पत्थर मिला, और उसे देखते ही मेरे मन में लालच आ गया, क्योंकि मैं जानता था कि वो पत्थर बहुत कीमती और बहुमूल्य है। और फिर मैंने उस बेशकीमती पत्थर को हासिल करने का एक प्लान बनाया। अपनी ही मौत का प्लान है ना, अपनी गाड़ी में बिठा दिया किसी को और लगा दिया आग, उस गाड़ी जलने की आग में जल गया ऋषिकान और पैदा हुआ एक राक्षस मास्टर जी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि नीलगिरी के जंगल के रहने वाले लोगों ने तुम्हें जंगल में वापस कैसे जाने दिया? खुदाई के दौरान मैं 3 साल तक वहां रहा था और मैंने उनके तौर तरीके सीख लिए थे, और जब मैं दोबारा वहां पहुंचा मास्टर जी के रूप में तो मैंने उस बात का फायदा उठाया और उन लोगों की खूब सेवा की जिससे वो लोग मुझ पर और ज्यादा भरोसा करने लगे थे। और उस भरोसे का गलत फायदा उठाया तुमने, टेफाइड की स्मगलिंग शुरू कर दी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, स्मगलिंग करने के लिए क्या जरूरत थी उन औरतों का पेट फाड़ने की? और कोई तरीका नहीं था? और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने नीलगिरी गांव के एक सामान्य से डॉक्टर को अगवा कर लिया
गांव की औरतें जब अपने पेट के दर्द के इलाज के लिए वहां आती थी तो वो डॉक्टर उसके पेट की सर्जरी करके टिफाइड पत्थर को उसमें छिपा देता और फिर हम उसे शहर भेज देते थे। उन औरतों के घर वाले उनके बारे में पूछते नहीं थे? मैं उन्हें समझा देता कि वो जंगल के किसी जानवर का शिकार हो गई होगी और वो लोग आसानी से मेरी बात को मान लिया करते थे। और तुम्हारी इस गांव के क्लिनिक में पेट काट कर टफाइट पत्थर भरे जाते थे और जिस क्लिनिक में हम लोग गए वहां पे पेट काट कर ये पत्थर निकाले जाते थे, राइट? पैसा, पैसा, पैसा। तुम्हारे इस पैसों की लालच ने न जाने कितनी निर्दोष औरतों की जान ली। इंसान के रूप में राक्षस, राक्षस और ऐसे राक्षस का अंत मासी के फंदे पर ही हो।